हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांगजू वेइंग को एक फोर्स किस करता है, लेकिन उसके बाद भी वेइंग पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि वो फिर से ब्लैंकेट लेकर सो गया था। वांगजी को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले जब भी वांगजी इस तरह वेइंग को किस किया करता था, वेइंग उसे जान ही नहीं देता था, जानबूझकर उसके सामने डर्टी वर्ड्स बोला करता था, उससे कहा करता था लंजा अब जब तुमने मुझे किस किया है तो आगे भी कंटिन्यू करना होगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, मुझे बुली करना होगा कि पूरी रात भर मैं बेड से उठ ना पाऊँ। वेइंग की इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि बाद में उसे वांगजी से रिक्वेस्ट करना पड़ता था रुकने के लिए, और वो ऐसे बिहेव करता था जैसे वांगजी हो जो ईवल मॉन्स्टर की तरह उसे ट्रीट कर रहा हो, जबकि वेइंग खुद अपने ऊपर ये मुसीबत लेकर आता था। वांगजी यही सोच रहा था और खुद से कह रहा था कि वो वेइंग कहाँ चला गया। वांगजी को इस तरह सोच में पड़ा हुआ देखकर वेइंग उसके पास आता है और उसके चीक्स को अपने हाथ से सहलाने लगता है जैसे किसी बच्चे को ट्रीट कर रहा हो। वांगजी और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो फिर उसे किस करना शुरू कर देता है, उसके बालों पर, उसके नेक पर और उसके चेस्ट पर पहुंच जाता है। वेइंग उसे किस करने देता है, लेकिन उनके आसपास का एटमॉस्फेयर अभी भी बिल्कुल ठंडा था, क्योंकि वेइंग की बॉडी वार्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वांगजी सोचता है कि उसे अपने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए वेइंग की अट्रैक्शन पाने के लिए। वो गुस्से में उसकी बेल्ट खोल देता है, रफली उसकी बॉडी पर पिंच करने लगता है और उसके कान में कहता है, वेइंग हमने बहुत टाइम से नहीं किया है। वेइंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा मैंने तुमसे पहले जो भी कुछ कहा था कि हस्बैंड एंड वाइफ को डेली करना चाहिए, वो सब नॉनसेंस बातें हैं, उन पर विश्वास मत करना। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो सेक्स अफेयर्स होता है वो कोई होमवर्क नहीं है, जो हमें करना ही करना है, इसे फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। वांगजी सुनकर अचानक से फ्रीज हो जाता है। वेइंग कहता है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए डिजायर फीलिंग्स रखते ही नहीं है तो जानबूझकर फोर्स करने का क्या फ़ायदा है, मैं नहीं चाहता। अब बहुत रात हो गई है, कल हमें तलवारबाजी वाली क्लास में भी जाना है, हमें सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वेइंग वांगजी को किस करता है, अपने ब्लैंकेट को लेता है और सो जाता है। अगले दिन वांगजी लैन चैन के पास था। वांगजी क्योंकि वेइंग के बारे में ही सोच रहा था, उसके हाथ में कुछ स्क्रॉल पेपर्स थे जिन्हें वो इतनी जोर से टेबल पर रखता है। आवाज़ सुनकर लैन चैन कहता है, क्या हुआ वांगजी, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। वांगजी अपनी लो वॉइस में ही कहता है, एल्डर ब्रदर वेइंग। वेइंग सुनकर ही लैन चैन कहता है, क्या हुआ आशियन को, क्या वो बीमार है या फिर अंकल ने फिर उसे डांटा। वांगजी कहता है, वेइंग अब मुझसे प्यार नहीं करता ब्रदर। लैन चैन कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो वांगजी। तो वांगजी कहता है, क्योंकि वो मुझे अब नहीं चाहता। लैन चैन फिर उससे पूछता है, नहीं चाहता मतलब। वांगजी अपनी नज़रें और झुका लेता है और बिल्कुल लो वॉइस में कहता है, हम दोनों बहुत टाइम से इंटीमेट नहीं हुए हैं। लैन चैन भी ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई से इस बारे में कभी बात नहीं की थी और एज अ बैचलर वो एक हस्बैंड एंड वाइफ को इस बारे में कोई सजेशन भी नहीं दे सकता था। लेकिन बचपन से सिर्फ लैन चैन ही था जो वांगजी की हर बार मदद करते आया था, और वांगजी का फेस भी इस वक्त इतना पिटीफुल लग रहा था। वो लैन चैन से कहता है, मुझे क्या करना चाहिए ब्रदर। लैन चैन उससे कहता है, आशियन ने तुमसे क्या कहा, तुमने इस बारे में उससे कभी बात नहीं की। वांगजी कहता है, उसने कहा कि वो ये सब फोर्स नहीं करना चाहता। लैन चैन फिर उसे बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ पूछता है, तुम दोनों के बीच में जब पहले ये सब कुछ होता था जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता है, तो क्या तुमने उसे अनहैप्पी कर दिया था, क्या कोई ऐसी बात हुई थी। वांगजी कहता है, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था ब्रदर, वेइंग मुझे हर रोज़ ही अपने साथ चाहता था, कभी कभी तो दिन में कई बार। मैं उससे कहता था कि हम नहीं कर सकते। लैन चैन उससे पूछता है, क्लैन रूल्स की वजह से तुमने ऐसा कहा। वांगजी, क्या तुम्हें पता है कि चैप्टर ऑफ मैरिज हमारी क्लैन रूल की बुक में क्यों नहीं है। वांगजी कहता है, क्योंकि ब्रदर हमारे क्लैन में काफ़ी सारे अनमैरिड मेंबर्स भी हैं, उन्हें चैप्टर ऑफ मैरिज नहीं रीड करना चाहिए, इसीलिए उस चैप्टर को अलग रखा गया है। जब वेइंग और वांगजी की शादी हुई थी तो लैन चैन ने स्पेशली चैप्टर ऑफ मैरिज वांगजी के हाथों में दिया था और उसे कहा था कि अब उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ के इन रूल्स को फॉलो करना होगा। लैन चैन वांगजी के उस आंसर को सुनकर कहता है, वांगजी ये एक रीज़न है, लेकिन ये ओनली रीज़न नहीं है। हमारे डिसिप्लिन स्टोन पर 3000 रूल्स से भी ज़्यादा रूल्स लिखे गए हैं, जिससे लैन क्लैन मेंबर्स एक अच्छे इंसान बन सके, जेंटलमैन बन सके, पर हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में उस स्टोन पर कुछ भी नहीं लिखा गया है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन रूल्स को ना फॉलो करने पर हमें पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वांगजी कहता है, कैसे अलग हैं ब्रदर? लैंग चिचैन कहता है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती। जब हस्बैंड एंड वाइफ अपने बेड में होते हैं तो क्या उन्हें सुपरवाइज करने के लिए कोई आता है क्या? ये सुनकर वांगजी बिल्कुल चौंक गया था। लैंग चिचैन कहता है, एंसेस्टर लैन एन ने कहा था, जब हम अपने लवर के साथ हों या अपने डेस्टिनेड पर्सन के साथ हों तो हमें खुद पर किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने की जरूरत नहीं। वांगजी कहता है, फिर उस मैरिज बुक में इतना डिटेल में सारे रूल्स क्यों लिखे हैं ब्रदर? लैंग चिचैन कहता है, शायद किसी एल्डर को डर होगा कि जब भी क्लैन मेंबर्स अपने रिबन को निकालेंगे तो वो उनकी सीखी हुई सारी टीचिंग्स को भूल जाएंगे, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन रूल्स को बना दिया होगा, पर वो रूल्स सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं। वांगजी कहता है, ब्रदर तो वो चैप्टर ऑफ मैरिज सिर्फ गाइडेंस के लिए बनाया गया है, रेगुलेशंस के लिए नहीं। लैंग चिचैन कहता है, वांगजी तुम तो जानते ही हो ना कि अंकल ये सब कुछ ज़्यादा ही मानते हैं, और अंकल मैरिड नहीं हैं वांगजी। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम में सच में बहुत बदलाव आए हैं वांगजी। शायद अंकल को डर होगा कि तुम्हारे ऊपर आशियन का कोई बुरा प्रभाव ना हो। वांगजी के ईयर्स थोड़े से रेड हो जाते हैं। लैंग चिचैन स्माइल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आशियन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर पाया। मदर के जाने के बाद मैंने कभी भी तुम्हें इतना खुश नहीं देखा था वांगजी। मुझे लगता है अंकल को फालतू ही तुम्हारी चिंता हो रही है, लेकिन इसके पीछे उनके इरादे नेक हैं, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं और तुम्हारे अंदर इस बदलाव को देखने की उन्हें आदत नहीं है, पर वो धीरे धीरे तुम्हें और आशियन दोनों को ही स्वीकार कर लेंगे। कुछ दिनों से आशियन में जो बदलाव आए हैं वो लैंडलाइन का हर कोई मेंबर देख सकता है वांगजी, लेकिन क्या वो खुश है? वो इतना हार्ड वर्क सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है वांगजी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों के बीच में दिल से दिल का एक रिश्ता है, पर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो। दिल में एक दूसरे की परवाह करते हो लेकिन एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते हो। तुम्हारे पास इतना समय था कि तुम मुझसे ये सब शेयर कर सकते थे, पर तुम्हें डायरेक्टली आशियन से इस बारे में कन्फेस करना चाहिए वांगजी। लैंग चिचैन की बातों का वांगजी पर बहुत असर हुआ था, लेकिन वो यही सोच रहा था कि वो वेइंग से कैसे कन्फेस करेगा। क्या वो डायरेक्टली जाकर उससे कह दे, वेइंग अब मैं और ज़्यादा रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता, मैं दिन रात तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। रात के समय वेइंग कोल्ड स्प्रिंग में बाथ लेने के लिए जा रहा था, वांगजी भी उसको फॉलो करता है। वेइंग के कोल्ड स्प्रिंग में जाने के बाद जब वांगजी वहाँ आता है तो कुछ लैन मेंबर्स उससे कहते हैं, मास्टर लैन ऑलरेडी कोई कोल्ड स्प्रिंग को यूज़ कर रहा है। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ वो वेइंग है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों लैन मेंबर्स सोचते हैं, सेकंड मास्टर लैन और मास्टर वे हस्बैंड एंड वाइफ है तो अगर एक दूसरे को नेकेड देख भी लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांगजी जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है वेइंग ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था, उसकी बॉडी कोल्ड स्प्रिंग में थी और आंखें बंद थी। वेइंग के कपड़े पास ही में स्टोन पर पड़े हुए थे। वांगजी धीरे धीरे करके अपने भी कपड़े निकालता है और स्टोन पर डाल देता है। अब वो स्लोली स्लोली वेइंग की तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी के पैरों की आवाज़ से वेइंग की आंखें खुलती हैं और वो उसे कहता है, लंजा। वांगजी सिर्फ अपने इनर रोब्स में था। वांगजी थोड़ी सी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ हर रात आते हो? वेइंग हाँ कर देता है। वांगजी उससे कहता है, तुम्हें कोल्ड स्प्रिंग की ज़रूरत क्यों है? वेइंग रात के अंधेरे की वजह से वैसे तो वांगजी के फेस के एक्सप्रेशन क्लियरली नहीं देख सकता था, लेकिन वांगजी के इस क्वेश्चन पर उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी करता रहता हूँ लंजा, तो मैं बस अपनी बॉडी को कोल्ड स्प्रिंग में सोक करने के लिए आया था जिससे अपनी बॉडी की फायर को निकाल सकूँ। तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो लंजा? क्या तुम्हें कोई काम है? वांगजी सीधा उस स्टोन के पास जाता है जहाँ वेइंग के कपड़े रखे हुए थे और उन्हें धीरे धीरे फोल्ड करने लगता है। ये देखकर वेइंग कहता है, लंजा तुम्हें मेरे कपड़ों को फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन अब वांगजी अपने इनर रूप्स को भी खोलने लगा था। वांगजी वेइंग के सामने पूरी तरीके से नेकेड हो गया था। वेइंग बार बार उसे कहने की कोशिश कर रहा था, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन अब वांगजी धीरे धीरे पानी में उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वेइंग अब बुरी तरह ब्लश करने लगा था और वो वांगजी से कहता है, लंजा क्या तुम भी कोल्ड स्प्रिंग में अपनी बॉडी को सोक करना चाहते हो? वांगजी उससे कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वांगजी वेइंग के इतना नज़दीक आ गया था कि दोनों की चेस्ट एक दूसरे से प्रेस हो रही थी।
विंग उससे कहता है, तुम मेरे बहुत नजदीक आ गए हो लंजा, मैं कैसे प्रैक्टिस कर पाऊंगा। ये सुनकर वांगजी वहीं खड़ा रह जाता है और बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वो अब आगे नहीं बढ़ता। विंग को लगता है कि फाइनली वांगजी होश में आ गया है। वो फिर से अपनी आंखों को बंद करता है और अपनी बॉडी को कोल्ड स्प्रिंग में रिलैक्स्ड छोड़ देता है और प्रैक्टिस शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने लिप्स पर कुछ वेट फील होता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वांगजी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और उसे किस कर रहा था। विंग तुरंत वांगजी के किस को अवॉइड करता है और उससे कहता है, लंजा, लैंड क्लैन मेंबर्स पेट्रोलिंग पर होंगे, कोई हमें ऐसे देख लेगा। लेकिन वांगजी तो जैसे अब उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो फिर से विंग को टाइटली पकड़ता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। अब विंग बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। उसे खुद नहीं पता चल रहा था कि वांगजी कर क्या रहा है, इसलिए वो वांगजी को उसे किस करने दे रहा था। वांगजी अब उसे नेक पर किस किए जा रहा था और विंग की नज़र इधर उधर जा रही थी कि कहीं जो भी लैंड मेंबर्स पेट्रोलिंग पर होंगे वो सेकेंड मास्टर लैंड को ये सब करता हुआ ना पकड़ लें। कुछ देर बाद विंग फिर वांगजी को होश में लाता है और उससे कहता है, लंजा, अगर कोई आ गया और हमें कोल्ड स्प्रिंग जैसी जगह पर ये सब करते हुए देख लिया तो। विंग फोर्सफुली वांगजी के चेस्ट को हिट करता है जिससे वो उससे अलग हो जाए। लेकिन वांगजी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था और वो उससे कहता है, कोई अगर हमें देख भी ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वांगजी अब अपने एक हाथ को पानी के अंदर ले जाकर विंग के पैर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वांगजी अपनी किसिंग में ही बिजी था, लेकिन विंग अभी भी एब्सेंट माइंडेड था। वांगजी के हाथ उसे जहां जहां टच कर रहे थे, विंग को अब पता चल गया था कि लंजा इस जगह पर बैड थिंग्स करने के बारे में सोच रहा है। इससे पहले कि विंग कुछ और सोच पाता, उसे तुरंत वांगजी ने अपनी गोद में उठा लिया था। वो उसे पानी से बाहर लेकर आता है और सीधे ग्राउंड पर लिटा देता है। तुरंत ही उसकी बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस कर देता है। विंग फिर से उसे हटाने की कोशिश करता है। जैसे विंग का हाथ वांगजी की बॉडी से टच होता है, उसे फील होता है कि वांगजी की पूरी बॉडी बहुत हॉट हो रही थी। विंग उससे कहता है, लिटिल स्टबन, तुम सच में इस जगह पर ये सब करना चाहते हो? ऐसा पहली बार था कि वांगजी अब रूल्स को तोड़ने के लिए तैयार था। विंग को लगने लगा था कि पूरे आसमान में लैंड एंसेस्टर्स हैं जो उन दोनों को ये सब करते हुए देख रहे हैं और उन दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज हैं। विंग अपने मन में कहने लगता है, लैंड एंसेस्टर्स, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। विंग के कानों में लैंड चिरैन की डांटती हुई आवाज़ें गूंज रही थी और वो कहने लगता है, सर, इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, ये कैबेज ही है जो ये सब कर रहा है। वांगजी जब विंग के मुंह से कैबेज वर्ड सुनता है, वो गुस्से में विंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? वांगजी की बातों पर विंग को रियलाइज होता है कि इन दिनों वो इतना ज्यादा क्लान रूल्स फॉलो करने लगा है कि उसने अपने दिल में लैंड चिरैन को भी जगह दे दी। लैंड चिरैन की डांटती हुई आवाज़ें उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। विंग फिर वांगजी से कहता है, लंजा, प्लीज़ ये सब मत करो, कोई हमें देख लेगा। वांगजी या तो जानबूझकर विंग की बातों को अनसुना कर रहा था या सुनकर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो और भी ज़्यादा गुस्से में विंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है। विंग भी अब वांगजी को सब कुछ करने देता है। फिर से लैंड चिरैन के एंग्री वर्ड्स विंग को सुनाई देते हैं। विंग कहने लगता है, सर, मुझे ब्लेम मत करिए, आपका नेफ्यू है ही इतना अमेजिंग, उसे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। विंग अब वांगजी से कहता है, लंजा, जल्दी से करो वरना कोई ना कोई हमें पकड़ लेगा। उसके बाद तो वांगजी अब उस पर कोई दया नहीं दिखाता। चाहे विंग कितना भी दर्द से चिल्लाने लगे, उसकी आंखों से आंसू क्यों ना आने लगे। अब विंग उससे कहता है, अरगगा, मैं गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था कि जल्दी करो, प्लीज़ तुम अपना टाइम लो, मुझे हर्ट हो रहा है। विंग के कानों में फिर लंच रैंड के वर्ड्स चलने लगते हैं जो उनसे कह रहा था, तुम दोनों अभी की अभी एंसेस्टर हॉल के सामने जाकर अपनी पनिशमेंट लो। लेकिन अब विंग में कोई हिम्मत नहीं थी वांगजी को रिफ्यूज़ करने की। जब वांगजी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होकर विंग से अलग होता है, विंग खुद को वेट टॉवल से क्लीन करता है, पर वो देखता है कि टॉवल पर थोड़े रेड निशान थे, यानी विंग की बॉडी को इस तरह यूज़ किया गया था कि उसे ब्लीडिंग होने लगी थी। 2 महीने से वांगजी की जो तड़प थी अब वो दिख रही थी, उसने विंग को ऑलमोस्ट खा ही लिया था। विंग सोचने लगता है, जब भी सेक्स की बारी आती है तो ये लिटिल स्टबन बिल्कुल ईविल मॉन्स्टर बन जाता है। वांगजी उसे हक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? विंग स्लाइटली अपना सिर हाँ में हिला देता है। वांगजी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो।
वो धीरे धीरे उसकी वेस्ट को सहलाने लगता है और उसे फोरहेड पे किस करता है। थोड़ी देर बाद वुइंग रिलैक्स्ड फील करने लगता है और वांग जी के चेस्ट पर ही रेस्ट कर रहा होता है। वांग जी वुइंग के हाथ से वो क्लोथ टॉवल लेता है और वो देखता है कि उस पर रेड निशान थे। वांग जी टेंशन में आ जाता है और वुइंग से पूछता है, वुइंग तुम्हें ब्लीडिंग हो रही थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं रुक जाता। पहले वुइंग को कभी भी इस तरह ब्लीडिंग नहीं होती थी। ये तभी पॉसिबल था जब वुइंग ने उन दोनों के सेक्स अफेयर्स को पहले की तरह एंजॉय ना किया हो। वांग जी को और बुरा लगता है और वो वुइंग से पूछता है, वुइंग क्या तुम्हें सच में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, अब तुम मुझे पहले की तरह नहीं चाहते। वुइंग उसे गले लगाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है लिटिल स्टबन, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। वांग जी उससे हेजिटेट करते हुए पूछता है, फिर तुम्हारी बॉडी। वुइंग कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लंजा, मैं 15 दिन से ज़्यादा दिनों से तुम्हारे इस कोल्ड स्प्रिंग में अपनी बॉडी को सोक करता हूँ, जिस वजह से मेरी बॉडी में जो फायर थी वो चली ही गई है। वांग जी कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे वुइंग, ताकि तुम अपने कैरेक्टर को सेल्फ कल्टिवेट कर सको। वुइंग कहता है, तुम्हारी वजह से लंजा, हर रात को मैं खुद को कैसे कंट्रोल करता हूँ ये मुझे ही पता है। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, हग करना चाहता हूँ, बाइट करना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी को अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ, पर मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि मुझे डर है कि तुम फिर खुद को फोर्स करोगे और मेरे साथ वो सब करोगे जो तुम नहीं करना चाहते। वांग जी उससे कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ। वुइंग कहता है, क्योंकि पहले मैं जब भी तुम्हें टच करता था तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और अब शायद हम हस्बैंड एंड वाइफ बन गए हैं इसलिए तुम्हें ये सब करना पड़ता है। ओके गाइज, इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। 85 चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं, इसके आगे ये फैन फिक्शन अभी अपडेटेड नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आपके साथ एक नया फैनफिक शेयर करूं, और इस फैनफिक के चैप्टर अपडेट होते ही ये तो मैं शेयर कर ही दूंगी। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।